वो टीवी में आता ना एक साइड ऐसा लिखा है, हाफ में लिखे हाफ नहीं किया, तो थोड़ा वाइट वाइट। एक्चुअली इंस्टेंट फेयरनेस जो है वो यही है कि ये आपको पल में गोरा बनाएगा, मतलब पल में सफेद बनाएगा। बाकी फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल, मैं रोहिणी वंस अगेन आपके लिए बहुत ही ज्यादा बढ़िया वीडियो लेके आई हूँ। और आज आपको लग रहा होगा कि मैं इतनी मतलब अलग क्यों लग रही हूँ, बिकॉज आंखों पे कोई मेकअप नहीं है, सिर्फ काजल एंड लिपस्टिक अप्लाई की है। बिकॉज आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो वायरल फाउंडेशन या फिर वायरल जो बीबी सीसी क्रीम जो बोल रहे हैं सुनीसा की, वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। इसका रिव्यू, उसका डेमो एंड किस तरह से वर्क करता है, कैसा है, तो आपके लिए देखिए मैंने अब तक पैकिंग खोली भी नहीं है, तो जस्ट नाउ मैं आपके सामने इसको खोलने वाली हूँ। किस तरह से वर्क करता है, क्या है, प्रॉपरली डेमो विद प्रॉपर एक एक चीज की डिटेल्ड चीज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, तो जरूर वीडियो में पूरे बने रहिए एंड लास्ट तक देखिए कि इसका रिजल्ट कैसा आता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुझे आया ये मैंने खरीदा है अमेजोन से, लिंक आपको मैं नीचे दे दूंगी। जस्ट 302 रुपीज में मुझे ये पड़ा है, 302 रुपए में। ये सेम आपको मीशो पे भी मिल जाएगा, मीशो पे थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा कॉस्टली है, तो ये मीशो पे भी आपको मिल जाएगा। मीशो का भी कोड मैं आपको नीचे दे दूंगी, अगर आपको अमेजोन पे नहीं मिलेगा तो आप मीशो से भी ले सकते हैं या फिर अमेजोन से भी ले सकते हैं। फ्लिपकार्ट पे भी है, तो आपको उसकी सारी की लिंक्स आपको मिल जाएंगी एंड कोड भी मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए किस इस तरह की पैकिंग आई है मुझे एंड ये सील्ड है, तो अभी इसको मैं ये लेके नहीं बैठी हूँ, तो मैं इसको हाथ से ही तोड़ देती हूँ, मैं सीजर लेके नहीं बैठी हूँ। मैंने प्राइमर के कॉर्नर से इसको फाड़ के निकाल दिया। तो ये देखिए कुछ इस तरह का ये डिब्बा है, कुछ क्रीम कलर का ये डिब्बा है एंड ये इसके ऊपर अगेन आप देख सकते हैं एक लैमिनेटेड कागज है, तो वो निकालेंगे, मतलब एक पन्नी बोल सकते हैं, क्या बोल रहे हैं हम उसको, जो भी है वो निकालेंगे, लैमिनेशन जो भी होता है वो निकाल देंगे। देखा मैंने अभी अपने प्राइमर की ट्यूब से इसको फाड़ा है, तो ये देखिए कि इस तरीके का है एंड यहाँ पे देखिए इसके ऊपर यहाँ पे मैन्युफैक्चर एंड एक्सपायरी भी आपको दी हुई है। ये मैन्युफैक्चर है 4/9/2020 का एंड एक्सपायरी है 4/9/2023, तो ये भी आपको यहाँ पे इसमें मिल जाएगा। एंड ये देखिए कुछ इस तरीके का ये बॉक्स है, सुनीसा यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे टोटल लिखा हुआ है आपको सुनीसा वाटर ब्यूटी एंड एयर पैड सीसी क्रीम। सो दिस इज नॉट अ फाउंडेशन, ये फाउंडेशन नहीं, ये सीसी क्रीम है। तो इसको बहुत सारे लोग फाउंडेशन फाउंडेशन करके बोलते थे, इसलिए फाउंडेशन के नाम पे बहुत फेमस हो गया। इंस्टाग्राम टिकटॉक ये जो वायरल वीडियोज है इसकी वजह से ये बहुत फेमस हो गया है। इसमें बताया कि इंस्टेंट गोरा कर देता है, इंस्टेंट ये कर देता है, इंस्टेंट वो कर देता है, तो ये हम लोग देखने वाले हैं। चलिए कैसे वर्क करेगा इसको देखेंगे। तो ये इस काइंड ऑफ कुछ बॉक्स है आप देख सकते हैं एंड यहाँ पे साइड में इसकी इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ये भाषा मुझे समझ नहीं आती है, ये पता नहीं कौन सी लैंग्वेज है, ये समझ में नहीं आ रही है मुझे। एंड दिस इज चाइनीज और कोरियन, इसका मुझे अभी तक पता नहीं चला, बहुत लोग इसको चाइनीज बोल रहे हैं। फैंग वेई अगर है तो आई थिंक ये चाइनीज है। fangwei35.com पे ये अवेलेबल है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है इनोवेटिव एयर कुशन ब्रेक ट्रेडिशन बिल्ड डेलिकेट न्यूड मेकअप स्टेप बाय स्टेप, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है एंड एक QR कोड दिया हुआ है एंड बाकी इसके इंस्ट्रक्शंस हैं, ये अजीब लैंग्वेज में है, तो ये आई डोंट थिंक सो मुझे पढ़नी आएगी, मुझे नहीं आती है, मुझे सीखनी पड़ेगी, फिर बताऊंगी आपको। तो ये देखिए इस तरीके का इसमें आपको इस तरीके का बॉक्स है, यहाँ पे भी दिया हुआ है बॉक्स है, फिर यहाँ पे क्रीम है, इसके बाद आपको ये ब्लेंडर मिल जाता है, नाकी ऐसे सुंदर सुंदर चेहरा हो जाता है, ऐसे इन्होंने बताया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका बॉक्स का, देखते हैं अंदर इसमें, इसके पीछे बहुत कुछ नंबर दिए हुए हैं कुछ, बट कहाँ का है ये मुझे नहीं पता चल रहा है, मतलब ये कोरिया का है या चाइना का है, आई थिंक ये चाइना का ही होगा, आई थिंक ये फिलहाल ये चाइना वाली चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फिलहाल, जो कोरोना इम्पॉर्टेंट नहीं है एक्चुअली, मतलब जो फैली हुई है हमारे लिए इससे बचना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो ये इतना फैल रहा है, लोग पता नहीं क्यों वायरल वीडियोज़ बना के ऐसे चाइनीज प्रोडक्ट्स मार्केट में लाते हैं और हम ही इंडियंस इसी को खरीदते हैं एंड देन आप ही को इसका रिव्यू दिखाते हैं, तो ये सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो चलिए क्या है, 302 रुपये का नुकसान करवा लिया अपना खुद का। तो चलिए देखिए इस टाइप से ये बॉक्स खोल दिया मैंने एंड ये आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा, देख सकते हैं आप इस तरीके से आपको ये मिलेगा एंड ये जो आपको दिख रहा है ये इसका कुशन है, जो एयर पैडेड कुशन बोला है ना इन्होंने वो कुशन है। तो ये देखिए ब्लैक कवरिंग से इसको अच्छे से ढक के दिया हुआ है, प्रॉपरली प्लेस्ड है, मतलब ये देख सकते हैं आप प्रॉपरली प्लेस्ड है इसके अंदर, यहाँ पे क्रीम है, यहाँ पे ये जो कुशन का डिब्बा है वो दिया है। ये बहुत अच्छी बेस्ट चीज़ मुझे लगी क्योंकि हमारे जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना यहाँ वहाँ पड़े रहते हैं, तो उससे अच्छा ये इसमें पड़ा रहे तो अच्छा रहेगा, ये एक अच्छी चीज़ हो गई, चलो कुछ तो अच्छा किया है चाइना वालों ने। तो ये चीज़ हो गई, इसके बाद ये रही क्रीम, वाओ इसका डिब्बा बहुत अच्छा है यार, डिब्बा अच्छा है।
सो वॉट अ ब्यूटी ब्यूटे एंड एयर कुशन सीसी क्रीम 20 ग्राम की है, ये देख सकते हैं आप 20 ग्राम की है ये एंड इस तरीके के डिब्बा है, ये शाइनी शाइनी है ऊपर का एंड ये हुआ है इसका जो बोलते हैं क्या बोलते हैं ब्यूटी ब्लेंडर ही बोलेंगे इसको। चलिए इसको खोलते हैं, इसको बाद में खोलेंगे, नहीं तो पहले इसको खोलते हैं। मतलब इसका अगर स्पंज है तो उसको वाटर में हम लोग पानी में भिगो के रख देंगे तो कुछ इस तरीके से। अच्छा घुमाना नहीं था, ऐसे ही है। तो ये देखिए ब्यूटी ब्लेंडर बहुत अच्छा सा क्यूट सा, वैसे मशरूम ब्यूटी ब्लेंडर बोला है इन्होंने क्योंकि ये मशरूम शेप में है। देखिए मशरूम शेप में है होने की वजह से इसको इस तरह से दिया है। तो अब इसको है लगाना पड़ेगा तो हमें इसको पानी में भिगोना पड़ेगा, तो मैं पानी लेके बैठी हूँ अपने पास। तो ये देखिए इसको आपको डेमो भी दिखाना है इसलिए मैं सबसे पहले मैंने इसको खोल दिया। इसको पानी में भिगो के रखती हूँ मतलब क्रीम दिखाने तक ये वाटर अब्जॉर्ब कर लेगा एंड देन इसका वाटर हम लोग श्रिंक करके अपने फेस पे लगा के देखेंगे। तो ये देखिए आपको कुछ इस तरीके से, ये ऐसा नहीं खड़ा रहेगा, नहीं क्या, नहीं ऐसा नहीं खड़ा रहेगा। चलिए इसको इस तरह से डाल के रख देती हूँ, जितना सोख लेगा उतना सोख लेगा, तब तक हम इसके इसका वेट करते हैं। अब देखते हैं हमारी डिब्बी जो है ये सुनीसा क्रीम, सुनीसा मैडम कैसी है देखते हैं। ओके तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको मिरर भी मिल जाता है, तो मिरर के ऊपर आई थिंक थोड़ा स्टिकर है तो वो निकालूंगी नहीं मैं, जाने दो। ये देखिए ये मिरर है, तो ये यहाँ पे मिरर है, ठीक है ये मिरर हो गया। तो यहाँ पे ये डिब्बी है, यहाँ पे कुछ इन्होंने थंब सा दिया हुआ है लेकिन ये थंब क्यों दिया है पता नहीं। तो यहाँ पे इन्होंने पुल बोला है पता नहीं ऐसे, यहाँ पे इन्होंने पुल लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको ये दिख रहा है ये पुल बोला है, तो यहाँ से आपको इसको पुल करना है। ओके एंड ये देखिए ये आपकी डिब्बी खुल गई है, ये देखिए ओके। एंड यहाँ पे एक कवरिंग है जो इस क्रीम को ढकी हुई है, तो वो भी निकाल देते हैं। निकल जा भाई, निकल जा, निकल जा। ओके ओ ओ, 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 ओ मेरा ड्रेस खराब कर दिया, मेरा ड्रेस खराब कर दिया इस सुनीसा ने। ओके सुनी देखिए तो ये इसके ऊपर चिपक गई थी, तो अब हम लोग इंडियंस कैसे होते हैं ना, तो ये भी वेस्ट नहीं करना है, इसको भी रखना है, तो इसको वेस्ट नहीं जाने दूंगी मैं। अब ये देखिए यहाँ पे इन्होंने ये मैंने यहाँ से दबाया ना इसीलिए बाहर आ गई शायद से। तो यहाँ पे एक टेक्निक यहाँ पे इन्होंने यूज़ की है, ये पूरी ऐसे ओपन नहीं है क्रीम, ठीक है यहाँ पे एक लेयरिंग दी हुई है, मतलब इसको आप टच करोगे ना तो यहाँ पे नहीं लगी हुई है क्रीम, ये देखिए यहाँ नहीं लगी है, यहाँ पे बीच में कुछ डिज़ाइन दी हुई है, यहाँ पे बीच में टोटली कुछ डिज़ाइन दी है, तो उसको अगर हम लोग प्रेस करते हैं ना तो उस होल से बाहर आती है, उस होल से वो बाहर आती है। तो अभी मैं क्या करूँगी ये देखिए, एंड ये आई थिंक एक ही शेड में आता है, इसका कोई भी शेड नहीं है, यही एक शेड है इसका अभी तक। तो मैंने जैसे ढूंढा, मैंने शेड्स भी ढूंढे इसके बट मुझे कोई शेड नहीं मिला इसका, मुझे एक ही शेड मिला एंड ये एक ही कलर में है एंड ये फेयर लोगों के लिए सही रहेगा बिकॉज बहुत डार्क लोग अगर इसको लगाएंगे तो इसको बहुत ही ज़्यादा ब्लेंड करके एंड डार्क फाउंडेशन ब्लेंड करके अगर आप करेंगे तो अच्छा रहेगा। मैं उसके लिए एक ट्यूटोरियल आपके लिए लेके आऊँगी कि सांवले लोग ये फाउंडेशन कैसे यूज़ करें, तो पहले आप हमारा देख लेते हैं डेमो कैसा है इसका, लेकिन एक खुद वर्क कैसे करता है वो देखना इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए यहाँ पर लगा हुआ है थोड़ा सा, ये देखिए एंड ये यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो अब हम इसको देख लेते हैं कि एक वर्क किस तरह से करता है। तो इसका मिरर भी यूज़ करेंगे एंड इसको भी यूज़ करेंगे, तो मेरी आंखें जब तक मैं लाइनर नहीं लगाऊंगी ना मेरी आंखें ऐसे सोई सोई लगेगी, तो इसलिए मैं फटाफट लगा देती हूँ और दिखाती हूँ आपको किस तरह से वर्क करता है। बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होना चाहिए इसलिए फटाफट ही आपको दिखा दूंगी। ये देखिए ये ऑलमोस्ट डबल इन साइज़ हो चुका है, जितना था उसका ऑलमोस्ट डबल साइज हो चुका है। अब मैं इसको कर लेती हूँ श्रिंक के, देखिए अब इसको हमेशा ब्यूटी ब्लेंडर ना आपको इसी तरह से यूज़ करना चाहिए, हमेशा ड्राई कभी भी मत लगाइए, ड्राई में क्या होगा वो आपका फाउंडेशन आपकी सीसी क्रीम जो है वो सोख लेगा एंड सारा प्रोडक्ट है वो उसी में चला जाएगा एंड आपको क्या होगा आपका फाउंडेशन अच्छे से ब्लेंड नहीं होगा। तो ब्यूटी ब्लेंडर से फाउंडेशन किस तरह से ब्लेंड करें इसके ऊपर भी वीडियो बहुत जल्दी आने वाला है। तो ये देखिए ऑलमोस्ट मैंने इसका सारा पानी निकाल दिया है, तो अब ये ऑलमोस्ट हो गया, ठीक है अब ये इसमें मैंने ऑलमोस्ट सारा पानी इसका निकाल दिया सारा, मतलब बहुत भी हमें इसको बहुत ज़्यादा भी ड्राई नहीं करना है, थोड़ा सा रहने देना, जिससे क्या होगा ब्लेंडेबल रहेगा, ब्लेंडेबल रहेगा थोड़ा सा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ एंड देन वो जो बचा हुआ पार्ट है वो ले लूँगी, देखिए बाहर निकला हुआ है जो भी, ये देख सकते हैं आप, हाँ देखिए जो बाहर निकला हुआ है उसको यूज़ करती हूँ। तो आपको क्या करना है, जस्ट आपको यहाँ पे प्रेस करना है एंड ये देखिए वाओ, वीडियोस देख के ना मुझे भी लग रहा था मैं कब लूंगी ये, कब मैं ट्राई करूंगी, मुझे बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही थी गिरने वाला था अभी ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसी का मिरर भी यूज़ करते हैं जिससे क्या होगा हमें पता चलेगा। तो इसको आपको ब्लेंड करने देखिए डिज़ाइन चलिए इसको ब्लेंड करते हैं अच्छे से, मैं क्या करती हूँ हाफ पे ब्लेंड करती हूँ जिससे आपको आधे पे और बाकी के जो चेहरा है मेरा उससे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये कैसा लग रहा है, मतलब ब्लेंडेबल कितना है, वाइट दिखेगा नहीं दिखेगा, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैं इसको ले लेती हूँ, जो एक्स्ट्रा पार्ट था वो भी ले लेती हूँ,
आधे में ब्लेंड करूंगी। एंड आई थिंक इसमें ना कुछ ग्लोई चीज है जो ना ये ऐसा किस चेहरे पे ग्लो दिखा रही है। आई थिंक ये ऐसा ग्लो दिखा रही है, ऐसा देखिए मैंने फिर से ले लिया इसको। माथे पे डिजाइन तो बहुत अच्छी बन रही है इसकी। थोड़ा सा ना मुझे ये ब्यूटी ब्लेंडर का हम लोग को कैसा होता है ना, हम लोग दबा पाते हैं इसका, थोड़ा सा मुझे मतलब हमारे हिसाब से इसको ये करना पड़ रहा है, क्योंकि वो बाकी के जो ब्यूटी ब्लेंडर्स होते हैं ना उसमें कैसे होते हैं कॉर्नर्स होते हैं, तो हम इसको अपने कॉर्नर्स पे वगैरह अच्छे से ले जा पाते हैं, तो ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्ट लग रहा है। ठीक है ठीक है, नई चीज है। ओके ये देखिए बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया इसने, मतलब मैंने अपने आधे फेस पे किया, आप देख सकते हैं ये फेस और मेरा ये फेस, तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट दिया। इसको मैं ब्लेंड कर रही हूँ, आप ऐसे मत बोलिएगा भी कि अच्छा नहीं लग रहा है, वेट इसको देखते हैं ना किस तरह से ब्लेंड करता है। एंड ये एकदम हाई कवरेज नहीं देता है, तो आपको इसको और दो तीन लेयर्स तो लगानी ही पड़ेगी, तो एंड बहुत वाइट नहीं करेगा ये, थोड़ा सा आई थिंक ये ब्लेंड होगा बाद में। वो टीवी में आता ना एक साइड ऐसा लग रहा है, हाफ मैंने किया हाफ नहीं किया, तो थोड़ा वाइट एक्चुअली इंस्टेंट फेयरनेस जो है वो यही है कि ये आपको पल में गोरा बनाएगा, मतलब पल में सफेद बनाएगा, बाकी कुछ नहीं है, पल में सफेद बनाएगा, गोरा तो नहीं बनाएगा। इंस्टेंटली गोरा बन जाओगा लेकिन हमेशा के लिए नहीं बनोगे, थोड़ी देर के लिए बनोगे। ठीक है तो ये देखिए हो गया, मैं पूरे चेहरे पे कर लेती हूँ, जिससे क्या होगा अपना पूरा चेहरा किस तरह से दिख रहा है, आपको क्या होगा ना ऑनेस्ट रिव्यू मिल जाएगा इसका कि कैसा है, हर कोई कैसे करके अच्छे अच्छे मेकअप्स दिखा रहा है, सब कुछ है, सारा कुछ एप्लीकेबल है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अच्छे से वर्क करना चाहिए, एक्चुअली वर्क करना चाहिए ये, तब जाके ये चीज जो ली है हमने उसका फायदा होगा। ये स्पंज थोड़ा सा मुझे ये लग रहा है कि हम लोग उसको कॉर्नर्स पे हम लोग ये कर सकते हैं, लेकिन इसका जरा कॉर्नर्स मुझे थोड़ा सा तकलीफ दे रहा है। चलिए कोई बात नहीं। ओके तो आप देख सकते हैं ये बहुत ज्यादा कवरेज नहीं दिया है इसने, लेकिन ये पूरा फेस जो है मेरा वाइट कर दिया है इसने, लेकिन अच्छा इसको अच्छे से ब्लेंड अप करो, बाकी सारे प्रोडक्ट्स आप यूज करो, पाउडर वगैरह आप अच्छे से यूज करो, तो ये हो जाएगा। आप देख सकते हैं कुछ शाइन लग रही है यहाँ पे, एंड सॉरी अभी मेरी जो लाइट है वो बंद हो चुकी है बिकॉज लाइट चली गई है, तो या आ गई आ गई। ओके तो देख सकते हैं आप ये अच्छे से ब्लेंडेबल है, मैं अपना जो लाइट है सेट कर लेती हूँ। ओके सो ये जो है वो अच्छे से ब्लेंड अप हो चुका है, लेकिन थोड़ा सा वाइट जो मुझे फेस लग रहा है ना, तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो फेयर लोगों के लिए ये थोड़ा सा ठीक रहेगा, लेकिन जो वीटिश स्किन है, जैसे मेरी वीटिश स्किन है, उनको थोड़ा सा कम इतना मतलब नहीं है, मतलब क्या बोलते हैं ये कम यूज करेंगे वो लोग, उनको नहीं सूट होगा बिकॉज ये बहुत वाइट करेगा। अब इसको मैं सेट कर देती हूँ, इसको हम लोग सेट कर सकते हैं अपनी कॉम्पैक्ट से या फिर कोई भी लूज पाउडर से, तो चलिए मैं इसको कॉम्पैक्ट से अपने कर देती हूँ, एंड कॉम्पैक्ट में मैं ब्रश वगैरह कुछ नहीं लेके बैठी हूँ, तो जस्ट मैं इसको अपने इसी इसके साथ जो एप्लीकेटर है इसी से कर देती हूँ, सेट कर देती हूँ। मतलब अच्छा मेकअप हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन आपको इसमें मेहनत बहुत लगेगी बिकॉज ये कोई ऐसा हाई फाई फाउंडेशन या फिर ऐसी कोई चीज नहीं है, तो ये आपको बस 302 रुपए में क्या भी चीज देगा आपको ये। जी देखिए यहाँ पे हो चुका है ना, बहुत मुझे वाइट मुझे तो बहुत वाइट लग रहा है, मतलब जो गोरे लोग हैं उनके लिए ठीक है, जो बहुत ज्यादा गोरे हैं उनके लिए ठीक है, लेकिन जो व्हाइटिश टू डार्क स्किन वाले हैं जैसे मैं हूँ, तो उनके लिए ये थोड़ा सा मुश्किल है ब्लेंड करना सेट करना, बिकॉज देख सकते हैं आप कैसे वाइट हो गया। अब इसको मैं थोड़ा सा हटा देती हूँ, मतलब देखिए ना आप मेरे हाथ में और इसमें फर्क देखिए, चेहरे पे हाथ में पूरा वाइट कर देता है, दिस इज द बेस्ट थिंग, मतलब आपको इंस्टेंट मतलब थोड़ी देर के लिए, एंड फाउंडेशन का इसके लिए काम ही यही होता है कि वो आपको थोड़ा सा गोरा दिखाए। जस्ट मैं इसको पोंछ लेती हूँ, फिर आंखों के नीचे का काजल जो है वो फैल रहा है, सो
बहुत ही रॉ वाला वीडियो है आज, क्योंकि आज मैं इसमें सारे स्टेप्स आपको बता रही हूँ। तो ये देखिए ये हो चुका है। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं अपना आईलाइनर लगा लेती हूँ एंड देन आपसे बाकी की बातें करती हूँ। तो ये मैंने अपना आईलाइनर वगैरह लगा लिया है, लेकिन फिर भी मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट ठीक है चलो, हर कोई बोल रहा है अच्छा अच्छा है तो ठीक है, कभी कभार हम इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप मैं इसको कभी तो भी यूज़ करूँगी, कभी तो भी मतलब फटाफट, अगर मुझे कुछ फटाफट ही करना है तो भी मैं इसे यूज़ करूँगी, नहीं तो नहीं करूँगी। 302 रुपये तो गए काम से, लेकिन चलो इसको यूज़ करना है तो महीने दो महीने में ख़त्म कर दूँगी, जिससे क्या होगा पैसे भी वसूल हो जाएंगे एंड चीज़ भी, लेकिन दोबारा परचेस करने जैसी चीज़ नहीं है। वायरल है, वायरल चीज़ों को थोड़ी देर के लिए यूज़ करें एंड उसको वहीं छोड़ दे तो सही रहता है, बिकॉज जो चीज़ें अच्छी है ब्रांडेड है एंड जो चीज़ें काम करती है वही अच्छा है खरीदना एंड लेना। एंड मैंने एक चीज़ और टेस्ट की यहाँ पे, मैंने एक्चुअली एक चीज़ किया जो आई होप किसी भी यूट्यूबर ने अभी तक नहीं शेयर किया होगा। मैंने इस ब्लेंडर को वॉश किया, मैंने इस पानी में इसको वॉश किया है, आप देख सकते हैं ये पानी पूरा वाइट वाइट हो चुका है। अब आप बोलोगे फाउंडेशन है तो फाउंडेशन का वाइट वाइट तो होगा ही, लेकिन जो इसमें शिमर या फिर जो ग्लोइनेस के लिए जो इसमें चमक है ना, जो चमक आपके चेहरे पे देख सकते हैं आप, जो मतलब जो हाइलाइटर की चमक ही अपने आप दिखा देती है, तो ये जो चमक है ना ये इसके ऊपर जो जैसे तेल का ये आता है ना वैसे वो आ गया है। एंड ये कटोरी के साइड में भी पूरा इसका जो मतलब जो ऑयल रहता है ना फाउंडेशन का वो इसके ऊपर आ चुका है। एंड इवन इसके ऊपर जो है ये वाइट वाइट डॉट्स जो शिमर्स के हाइलाइटर के जो वाइट वाइट डॉट्स होते हैं ना वो भी इसके ऊपर आ चुके हैं। मतलब मैंने नॉर्मली इससे 2-3 बार इसी को धोया, इसी में इसको प्रॉपरली मुझे 1-2 बार और धोना पड़ेगा, लेकिन इसमें मैंने धोया तो इसमें सिर्फ अभी तक उसमें ऐसे ही चिपके हुए हैं। तो मतलब जो बोल रहे हैं ना कि ये बहुत ग्लो करता है, बहुत ग्लो दिखाता है एंड और सारी जो चीज़ें हैं, तो वो जो ग्लो के लिए इसमें जो भी इंग्रेडिएंट रहेगा वो इसी में चिपका हुआ है, इसी में चिपका हुआ है, तो वो निकल नहीं रहा है, तो जस्ट इसी टाइप का है। तो बस यही था आज का रिव्यू जो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर करूं। एंड आई थिंक ये ऑनेस्ट रिव्यू है बिकॉज मुझे इतना खास नहीं पसंद आया, मैं इसको 10 में से 6 भी दूं, शायद ही 6 या 5 भी दूं, बिकॉज इतना नहीं, ठीक ठाक है, मतलब इतना भी कोई खास नहीं है, बट ठीक है चलो। मतलब अगर कुछ टेस्ट करना है, अगर कुछ चीज़ देखनी है तो उसके लिए काफ़ी है, रेगुलर यूज़ करो, ख़त्म करो, दोबारा मत लो, ऐसी चीज़ है। तो बस आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आएगा, इस तरह के ऑनेस्ट रिव्यूज़ आपको देखने पसंद होंगे, तो ज़रूर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। साथ ही में इसी तरह की वीडियोज़ देखने के लिए आपको चैनल पर सब्सक्राइब करने के बाद बेल नोटिफिकेशन के ऊपर ऑल पर क्लिक करना बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको आने वाले वीडियोज़ की अपडेट्स एंड नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। साथ ही में मेरे ऊपर दिए हुए इंस्टाग्राम आईडी पर आप मुझे फॉलो कर सकते हो, जहाँ पे आपको लेटेस्ट अपडेट्स भी मिलती रहेंगी। तो चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो में, टेक केयर, सी यू सून, बाय बाय।